नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आप सभी का सुजाता मिश्रा चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आपको पता है कि डिंक कौन थे और उनको क्या श्राप मिला था? आखिर उन्होंने कैसी गलती की थी जिसकी वजह से सौभरी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था? तो आज की जो कथा है वो उसी के ऊपर है। ये कहानी बहुत ही पुरानी है और एक बार की बात है कि सुमेरु पर्वत पर ऋषि सौभरी नामक महर्षि रहते थे। उनका जो आश्रम था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदरता के साथ उनका आश्रम, उनकी पत्नी जो कि बहुत ही रूपवती थी और पतिव्रता थी, ऐसा माना जाता है कि उनका जो आश्रम था और जो ऋषि थे और उनकी पत्नी थी, उन लोगों ने उस जगह को बहुत ही पवित्र और पावन बनाकर रखा हुआ था। ऋषि और जो उनकी पत्नी थी दोनों में बहुत ही परस्पर प्रेम था और बहुत ही सहृदय के साथ वे अपने गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे थे। एक बार की बात है, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम मनोमयी था। एक बार जब सौभरी ऋषि वन में गए हुए थे लकड़ियाँ लाने के लिए और उनकी पत्नी आश्रम में अकेली थी, तभी कौंच नामक एक दुष्ट गंधर्व उनके आश्रम में पहुंचा और जब उन्होंने ऋषि पत्नी को देखा तो उनके रूप को देखकर वो उनके ऊपर मोहित हो गया। कौंच बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने जो ऋषि की पत्नी थी उसकी पतिव्रता को भंग करने की कोशिश करने के लिए ऋषि की पत्नी मनोमयी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन ऋषि पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उनके जो पति थे सौभरी ऋषि, उन्हें तुरंत पता चल गया और वे तुरंत वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कौंच को तुरंत श्राप दिया कि तुम्हारी इतना दुस्साहस कि तुमने ऋषि पत्नी जो कि पतिव्रता है उसका हाथ स्पर्श करने की कोशिश की है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मूषक बन जाओ और धरती के नीचे तुम्हें रहना पड़ेगा और चोरी कर कर खाना पड़ेगा। ऋषि ने जब गंधर्व कौंच को यह श्राप दिया तो जो गंधर्व कौंच था वो बहुत ही भयभीत हो गया और वो ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। बहुत ही मन्नतें मांगने के बाद, उनसे क्षमा मांगने के बाद ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता है, यह तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक तुम्हारे साथ बस इतना ही कर सकता हूँ कि जब गणेश जी का आगमन होगा तब वे तुम्हें अपने वाहन के रूप में चुनेंगे और तुम्हारा नाम डिंक रखा जाएगा और इसकी वजह से जो पूरा विश्व है वह तुम्हें श्री डंक के नाम से सुशोभित करके तुम्हारी पूजा की जाएगी गणेश जी के साथ, और इतना ही मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और तब से जब गणेश जी का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने वाहन को मूषक के रूप में चुना और उनके मूषक का नाम श्री डंक था और जो कौंच थे उनको यह श्राप भोगना पड़ा और उनका जो जन्म था वो मूषक के रूप में हुआ और उन्हीं का नाम श्री डंक था। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो कर्म होते हैं वो आगे आने वाली जो हमारे साथ परिस्थितियाँ होती हैं उनको वही निर्धारित करते हैं। तो जब भी हम कोई कार्य करें तो हमें सोच कर रखना चाहिए कि उसका जो आने वाला फल है वो उसी के अनुरूप होगा। क्षमा याचना करके हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं लेकिन चीज़ों को बदल नहीं सकते। तो जब भी आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसे सुंदरता के साथ कीजिए,
दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा करने वाले लोग हमेशा मुँह की खानी पड़ती है और हमेशा उन्हें नीचा फल ही देखने को मिलता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही रेयर स्टोरी है ये और सच्ची घटना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सुजाता मिश्रा। बाय।